बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का भारत पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिक्योरिटी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगी हुई हैं। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। रेजिम चेंज होने से इन जगहों पर अब इंस्टेबिलिटी का रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि शेख हसीना गवर्नमेंट की तो भारत के प्रति अप्रोच फ्रेंडली थी। उनके अंडर बांग्लादेश भारत का एक ट्रस्टेड पार्टनर था। उनकी गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे एंटी इंडिया एलिमेंट्स और टेरर आउटफिट्स पर क्रैकडाउन किया था। अब उनके हटने के बाद नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ गया है, तो आने वाले टाइम में सैडली हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में पीस डिस्टर्ब होती हुई दिख सकती है। बांग्लादेश में रेजिम चेंज भारत के लिए एक मेजर सेटबैक है। बहुत सी फॉरेन पावर्स चाहेंगी कि नई सरकार भारत के प्रति एक एडवर्सेरियल अप्रोच फॉलो करे, क्योंकि इससे उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। चाइना को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बांग्लादेश की जरूरत है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश को अपनी तरफ करना चाहता है। अब जब बांग्लादेश में रेडिकल आइडियोलॉजी अपनी जड़ें जमाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान को ही होगी। ऐसी जानकारी सर्कुलेट हो रही है कि यूएस बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ताकि वह भारत और चाइना पर नजर रख पाए। साथ ही शेख हसीना के बयानों से ये इन्फर किया जा रहा है कि यूएस बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ पार्ट्स को तोड़कर एक सेपरेट क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट की कुकी, चिन और जो ट्राइब्स को बसाया जाएगा। शेख हसीना ने इन दोनों चीजों के बारे में खुद बताया था। उन्होंने मिलिट्री बेस और ए सेपरेट स्टेट दोनों के लिए मना कर दिया था, और एनालिस्ट के अनुसार इसी के कारण ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गईं जिससे अल्टीमेटली उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। आप जानते होंगे कि पास्ट में बहुत से देशों की रेजिम चेंज में यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है। ईरान, इराक, लीबिया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अब बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। शेख हसीना के जाने के बाद अब बांग्लादेश में यूएस का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। नई सरकार प्रो यूएस है, यूएस ने इसे वेलकम किया है, तो अब रास्ता क्लियर है। कुछ टाइम में बांग्लादेश में यूएस का मिलिट्री बेस ऑपरेशनल हो जाएगा। बांग्लादेश में रेजिम चेंज होने से देश में इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म के बढ़ने का रिस्क है। सोशल मीडिया ऑलरेडी बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर हो रहे अटैक्स की खबरों से भरा हुआ है। बांग्लादेश में भारत के कल्चरल सेंटर पे अटैक, मंदिरों पर अटैक और माइनॉरिटीज की टारगेटेड किलिंग्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। भारत बांग्लादेश में हो रहे डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच कर रहा है। भारत सरकार ने वहां की नई रेजिम से देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने की अपील की है। अगर माइनॉरिटीज पे हो रहे अटैक्स को रोका नहीं गया तो उन्हें मजबूरन जान बचाकर भागना पड़ेगा, जिससे भारत में एक रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ी हो सकती है। लोग वायलेंस और प्रोसिक्यूशन से बचकर बॉर्डर पार करके भारत आने की कोशिश करेंगे। इससे भारत के सिक्योरिटी एपरेटस और लिमिटेड रिसोर्सेज पर एडिशनल प्रेशर पड़ेगा। बांग्लादेश बॉर्डर पर सिचुएशन एक्सट्रीमली फ्लूइड है, तो इसे मैनेज करने के लिए भारत को यहाँ पर अपना ट्रूप डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। भारत ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के साथ स्टैंड ऑफ मैनेज कर रहा है, फिर जम्मू में टेररिज्म में हो रहे सडन स्पाइक से भी डील करना है। इन दोनों सिक्योरिटी चैलेंजेस के अलावा अब भारत का बांग्लादेश बॉर्डर पर तीसरा फ्रंट ओपन हो गया है। हर एक इशू अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, जबकि भारत को तो अब तीनों को एक साथ एड्रेस करना है, मल्टीपल सिक्योरिटी कंसर्न्स को एक साथ मैनेज करना है, जो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश भारत का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होते हैं। बांग्लादेश एक टेक्सटाइल हब है और भारत के कॉटन के लिए बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दोनों देशों के बीच लगभग $13 बिलियन वर्थ का ट्रेड हुआ था। शेख हसीना के टेन्योर में भारत और बांग्लादेश के इकोनॉमिक टाइज काफी इम्प्रूव हुए। टूरिज्म,
ट्रेड और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ाने का प्रयास किया गया। लोगों के मूवमेंट से कल्चरल और सोशल टाइज भी मजबूत हुए। अब रेजिम चेंज होने से ट्रेड टाइज अफेक्ट हो सकते हैं, सामान और लोगों के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भारत से बांग्लादेश के लिए फ्लाइट्स, ट्रेन्स और बसेस स्टॉल कर दी गई हैं। एंट्री और एग्जिट के ब्लॉक होने से बॉर्डर के अलोंग लोकल बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। ट्रेड फिलहाल हॉल्ट हो चुका है। 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन शुरू हुए थे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के होने से ड्यूटीज और रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस होती और ट्रेड बूस्ट होता। अब बांग्लादेश में लीडरशिप चेंज होने से देखना होगा कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात आगे बढ़ेगी कि नहीं। तो अभी फ्यूचर ट्रेड ग्रोथ को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी चैलेंजेस भी इमर्ज हो सकते हैं। देखिए, शेख हसीना गवर्नमेंट के अंडर बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से डेवलप किए जा रहे थे। इनमें रोड्स, रेलवेज, शिपिंग और पोर्ट्स शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2023 में भारत और बांग्लादेश ने कार्गो मूवमेंट के लिए चित्तगोंग और मोंगला पोर्ट्स को यूज करने का अग्रीमेंट साइन किया था। इसी साल खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन को भी इनॉग्रेट किया गया था। 2023 में ही अखौरा अगरतला रेल लिंक को इनॉग्रेट किया गया था। ये भारत के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को मेनलैंड से कनेक्ट करता है। इससे अगरतला और कोलकाता का ट्रैवल टाइम 31 घंटे से घटकर 10 घंटे रह जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन हम जानते ही हैं, बस एक पतले से लैंड कॉरिडोर से मेनलैंड से कनेक्टेड है, जिसे हम चिकन्स नेक कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इस बात का खतरा रहता है कि चाइना चिकन्स नेक को ब्लॉक करके नॉर्थ ईस्ट रीजन को कट ऑफ कर सकता है। तो मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट तक अल्टरनेटिव रूट होने से चिकन स्नैक पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। हालांकि लीडरशिप के चेंज होने से ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं। शेख हसीना रेजिम पर इंटरनली अथॉरिटेरियन और करप्ट होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि वो डिक्टेटर थी या नहीं थी और उनका रुख बांग्लादेश की जनता के लिए कैसा था। इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं कि उनका रुख भारत के प्रति कैसा था। तो भारत के लिहाज से उनका टेन्योर काफी बेनिफिशियल साबित हुआ है। उनके टेन्योर में भारत और बांग्लादेश के फ्रेंडली रिलेशंस थे और दोनों देश अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहे थे। इसके कंट्रास्ट में पास्ट में भारत के बांग्लादेश में ऑपोजिशन पार्टीज और आर्मी के साथ रिलेशंस चैलेंजिंग रहे हैं, क्योंकि इन ग्रुप्स का प्रो पाकिस्तान स्टांस रहता है, जिसके कारण भारत के साथ टेंशन्स होती हैं। शेख हसीना गवर्नमेंट ने जमात ई इस्लामी जैसी इस्लामिक पार्टीज को कंट्रोल करके रखा हुआ था। इस तरह की पार्टीज अपने कंजर्वेटिव और हार्डलाइन रिलीजियस व्यूज के लिए जानी जाती हैं। ये इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करके बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं। इन्हीं पार्टीज ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक्सप्लॉइट करके उनमें रेडिकल एलिमेंट्स इंजेक्ट कर दिए थे, जिन्होंने वायलेंस को अंजाम दिया। इसके बाद बांग्लादेश से काफी डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिले थे। इन लोगों ने बांग्लादेश के फाउंडर और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ डाला। ये सब बांग्लादेश में बढ़ते हुए एक्सट्रीमिज्म का साइन है। बंगा बंधु के कॉन्ट्रीब्यूशन को इरेज करने की कोशिश की जा रही है, उनकी लेगेसी को मिटाने की कोशिश की जा रही है और नेशनल हेरिटेज को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। ये लोग अब अगस्त 5 को रियल इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बांग्लादेश क्लियरली प्री 1971 इरा में लौटता हुआ दिख रहा है। हसीना गवर्नमेंट ने देश में इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को पनपने से रोक रखा था। उनकी सरकार भारत के साथ काउंटर टेररिज्म में क्लोजली कोऑपरेट करती थी। उनके डिपार्चर के बाद देश में रेडिकल आइडियोलॉजी अपनी जड़ें जमाएगी, देश रिग्रेसिव डायरेक्शन में मूव करेगा, प्रो पाकिस्तान और एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और ये सब भारत के लिए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा करेगी। लीडरशिप के चेंज होने से अब हमें बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज में एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है। खालिदा जिया जैसे लीडर्स अब सीन में वापस आ रहे हैं, तो अब हमें भारत के प्रति एक ज्यादा क्रिटिकल और कन्फ्रंटेशनल अप्रोच देखने को मिल सकती है।
पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश में भी अब डोमेस्टिक सपोर्ट को रैली करने के लिए नए लीडर्स एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को फ्यूल करने की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि शेख हसीना ज्यादा दिन भारत में रुकेंगी तो भारत के ऊपर एक डिक्टेटर को शेल्टर करने का आरोप लगाया जा सकता है। देशों के द्वारा इस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया जाता है। इन सब से बांग्लादेश की पब्लिक में भारत के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स और हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है, जिससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड और कोऑपरेशन इफेक्ट हो सकता है। तो समय के साथ हमें पॉलिटिकल डायनेमिक्स और पब्लिक डिस्कोर्स में एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो अब भारत को आगे क्या करना चाहिए? देखिए, बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और अल्टीमेटली भारत को जो भी पावर में है उसके साथ एंगेज करना ही पड़ेगा। भारत ने तो इवन तालिबान रेजिम के साथ वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रखी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि भारत तालिबान रेजिम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अपने पड़ोसी मुल्क में हुए इस चेंज के साथ भारत को देर सवेर एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की लेजिटिमेसी एकदम कम हो चुकी है और उनकी अनपॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वहां पे पॉपुलर सेंटिमेंट को देखते हुए भारत को इवेंचुअली शेख हसीना के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा और बांग्लादेश के साथ स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत की हसीना गवर्नमेंट के साथ क्लोज टाइज को देखते हुए अभी वहां पर भारत के प्रति काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है। जैसे जैसे मैटर थोड़ा शांत होगा, दोबारा से दोनों देशों की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस फोरफ्रंट पे आ जाएगी, जिससे समय के साथ नई लीडरशिप के भारत के अगेंस्ट हॉस्टाइल रुख में कमी आएगी। मालदीव्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुइजू के पावर में आने के बाद स्टार्टिंग में हमें उनका भारत के प्रति हॉस्टाइल रुख देखने को मिला था, हालांकि भारत ने इसे काफी मैच्योरली हैंडल किया, टाइज कट ऑफ नहीं किए, एंगेजमेंट जारी रखा, डायलॉग के लिए दरवाजे खुले रखे और इवेंचुअली हमें मुइजू की हॉस्टिलिटी में कमी देखने को मिली। तो लेट्स होप बांग्लादेश के केस में भी ऐसा ही हो। लेट अस वेट एंड वॉच आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं।